नमस्कार दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम का नया ठिकाना है तिहाड़ जेल। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 7 में रखा जाएगा। अदालत से उनके वकील कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का विरोध किया था, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने अनुरोध किया कि पी चिदम्बरम की उम्र को देखते हुए, उनकी बीमारियों को देखते हुए, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको एक अलग सेल में रखा जाए, उन्हें सोने के लिए चारपाई दी जाए, दवाएं रखने की इजाज़त दी जाए, कुछ और सुविधाओं की मांग उनकी तरफ से की गई, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी और उन्हें अब 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रातें काटनी होंगी। आपको बताते चलें कि 21 अगस्त को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया था और तब से वो 3 बार सीबीआई की हिरासत में भेजे गए। पिछले 15 दिन से, करीब करीब 2 सप्ताह से वो सीबीआई की हिरासत में हैं। इसी मामले में ईडी भी चूंकि जांच पड़ताल कर रही है, इसलिए उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से ये अनुरोध किया था कि उनके मुवक्किल को तिहाड़ भेजने के बजाय ईडी की हिरासत में भेज दिया जाए, ताकि इस मामले में ईडी आगे जांच पड़ताल कर सके, उनसे पूछताछ कर सके। तो सवाल ये है कि पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल जाने से क्यों बचना चाहते थे और ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं या ऐसा कौन सा उनके मन में भय है कि तिहाड़ जाएंगे तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। पी चिदम्बरम कई मामलों को लेकर के खासे चर्चा में रहे हैं। ख़ास तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत ही प्रभावशाली चेहरे के रूप में वो काम करते थे। वो न केवल वित्त मंत्री रहे बल्कि गृह मंत्री भी रहे, और उनके गृह मंत्री रहते, आपको याद होगा 2010 में सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में तब के गुजरात के गृह मंत्री रहे अमित शाह को सीबीआई के ज़रिए ही पी चिदम्बरम ने जेल भेजने का काम किया था। अब ये संयोग कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, कि आज गृह मंत्री के पद पर अमित शाह विराजमान हैं और तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले मामले में इस समय सीबीआई की हिरासत में थे और अब अगले 14 दिन के लिए तिहाड़ उनका नया ठिकाना होने जा रहा है। पी चिदम्बरम पिछले करीब 1-1.5 साल से सीबीआई और ईडी की हिरासत में आने से बचते रहे। वो अदालतों के जरिए अग्रिम जमानत की अवधि बढ़वाते रहे, लेकिन जब अगस्त के दूसरे पखवाड़े में हाई कोर्ट ने उन्हें और अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो रातों रात सीबीआई ने उनके घर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और तभी से कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के अलग अलग नेता मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप चस्प करने की कोशिश कर रहे हैं। पी चिदम्बरम अकेले नेता नहीं हैं जिन पर सीबीआई ने, ईडी ने
या इनकम टैक्स विभाग ने इधर मुश्कें कसी हैं। आपको याद होगा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटों कुलदीप विश्नोई और चंद्रमोहन के एक बेनामी संपत्ति वाले होटल को गुड़गांव में पिछले हफ्ते ही जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। और यह होटल यूएई और आयरलैंड से संचालित किया जा रहा था। हरियाणा के एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अलग अलग 5 मामले चल रहे हैं। मानेसर जमीन घोटाला, पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाला, इसके अलावा जो एजेएल को उन्होंने प्लॉट आवंटित किया था वो, शिकोहपुर में रॉबर्ट वाड्रा को किस तरीके से रातों रात लैंड यूज चेंज करके करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया, और एक करनाल का दवा घोटाला कर्नाटक के संकट मोचक के रूप में जाने जाने वाले नेता डीके शिवकुमार को अभी हिरासत में लिया है ईडी ने। अहमद पटेल, जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं, उनके बेटे को भी ईडी ने सम्मन इश्यू किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आईटी जांच का सामना कर रहे हैं। उनके भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और एक बैंक से धोखाधड़ी का मामला भी उन पर चल रहा है। अलग अलग स्टेट में कई कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों के जद पर आ गए हैं, निशाने पर आ गए हैं। किन्हीं मामलों में पूछताछ चल रही है, किन्हीं मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं, कुछ मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और कांग्रेस लगातार चीख चिल्ला रही है कि उनके नेताओं को जान पूछ करके सियासी बदले के तहत परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर इन नेताओं के खिलाफ कोई गंभीर किस्म के आरोप नहीं हैं तो अदालतें उन्हें न्यायिक हिरासत में या तिहाड़ जेल क्यों भेज रही हैं? जाहिर है जांच एजेंसियों के पास, सरकार के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। और आपको चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जनसभाएं याद होंगी जिनमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे नेताओं को वो जेल के दरवाजे तक तो ले आए हैं, अगले 5 साल में वो उन्हें जेल में डालने का काम करेंगे। और पी चिदंबरम के साथ ये सिलसिला एक तरीके से शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं के खिलाफ कई तरह की जांच पड़ताल चल रही है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में इस समय जमानत पर हैं। उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी जमीन घोटालों में ईडी के चक्कर काट चुके हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। तो देखिए अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में और किस किस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता है, और कौन कौन अलग राज्यों की जेलों का रुख करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।